नमस्कार, 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, पलट गए तिवारी आखिर क्यों। किरण बेदी को लेकर जिस तरीके से बगावत हो रही है बीजेपी में, एक के बाद एक, चाहे वो सांसद हों और बीजेपी के बड़े नेता हों, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। इस पर हमारी नजरें रहेंगी, आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। 7 बजे खत्म होगा सस्पेंस। क्या बीजेपी दिल्ली में सीएम पद के दावेदार के नाम का ऐलान कर देगी? 7 बजे इसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। फिर इधर नजर डालेंगे, बात करेंगे बीजेपी की हुई तीरथ। अब औपचारिक ऐलान जिस तरीके से होगा और उसके बाद इस पे तमाम जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एक के बाद एक नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो या फिर कांग्रेस से हो। और नीचे आप देखेंगे यू टर्न केजरीवाल, कहा है कांग्रेस ने आखिर क्यों, एक बुकलेट भी जारी किया है। क्या है इस बुकलेट में सच्चाई केजरीवाल की, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे, अब सवालों से होगा सामना कैसे। शशि थरूर से पूछताछ की कुछ जो उम्मीदें हैं, संकेत हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो ये 5 बजे की 5 बड़ी खबरें, चर्चा विस्तार से करते हैं। राजनीति में बयान देकर उससे पलटना नेताओं की आदत सी हो गई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी अपने बयान से पलट गए हैं। पहले किरण के खिलाफ बोलने के बाद उन्होंने कहा कि वो किरण बेदी का स्वागत करते हैं। दरअसल उनकी बयानबाजी से पार्टी आलाकमान नाराज थे और जिसके बाद उन्हें ये बयान जारी करना पड़ा है। और इससे पहले उन्होंने कहा था किरण बेदी को अभी तक पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लिहाजा उनका मानना है कि वो अभी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं है। किरण बेदी को बीजेपी में शामिल हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन पार्टी से विरोध के सूत्र दिखने लगे हैं। कई नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि किरण बेदी ने आते ही अपने सांसदों को अपने घर चाय पार्टी पर बुलाया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं उनके घर नहीं गया। वहीं इस बयान के बाद मनोज तिवारी को हाईकमान के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। गौरतलब है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण बेदी ने दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों को अपने घर चाय पर बुलाया था, लेकिन मनोज तिवारी नहीं गए। मनोज तिवारी ने साफ कहा कि अगर बीजेपी में शामिल होने वाले हर नेता को फॉलो करना होगा तो बिन्नी और शाजिया को भी हमें फॉलो करना चाहिए। रविवार को किरण बेदी के घर हुई चाय पार्टी में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को भी बुलाया गया था, लेकिन खास बात यह है कि महज 1 मिनट की देरी से पहुंचने पर डॉक्टर हर्षवर्धन की मुलाकात किरण बेदी से नहीं हुई और वो देरी की वजह से अपने घर से चली गई। हालांकि हर्षवर्धन ने बताया कि उन्होंने पहले ही किरण बेदी को फोन पर बताया था कि उन्हें देरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी किरण उनसे मिले बिना चली गई। जहां किरण बेदी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें आ रही हैं, वहीं पार्टी के कई आला नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। जाहिर है सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं के लिए अचानक पार्टी में किरण को इतनी तरजीह देना रास नहीं आ रहा है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता संदीप शर्मा का। संदीप, अभी तो आई है किरण बेदी बीजेपी में और अचानक ये जो विरोध के सुर हैं वो उठने लगे हैं, आखिर क्यों, वजह क्या है? देखिए, वजह सीधी है कि जब पार्टी में बाहर से लोग पैराशूट से आते हैं और पार्टी में अपनी जगह, उनकी एक अलग खास जगह बन जाती है, तो जो पार्टी के जो पुराना नेतृत्व होता है, पार्टी के जो पुराने लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ये चुभता है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से किरण बेदी का आना हुआ और जिस तरह से तमाम सांसदों को, दिल्ली के सांसदों को चाय पार्टी पर बुलाना, बैठक के लिए बुलाना, उसमें मनोज तिवारी का जिस तरह से बयान आना, वो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं जो है कहीं नाराजगी तो जरूर है। क्यों ये नाराजगी इस वजह से हो सकती है कि चूंकि कई लोग जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मंशा पाले बैठे थे मुख्यमंत्री पद की, कि सत्ता आएगी तो सत्ता में आएंगे तो हमें जो है, हम जो एक मेहनत कर रहे हैं, हम जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो उसका प्रयास का फल उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से चेहरों की लड़ाई है, दिल्ली का चुनाव और वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के
चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के सामने बहुत भारी नहीं पड़ते हैं या बहुत दमदार चेहरे नहीं है। लिहाजा किरण बेदी को लेकर आए हैं। किरण बेदी की अपनी एक छवि है, किरण बेदी का एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किरण बेदी का चेहरा जो है सत्ता तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। और जिस तरह से मनोज तिवारी का बयान आया है और मनोज तिवारी ने अपने बयान पर कहीं ना कहीं जो है बाद में उसको बयान को एक तरह से बयान को वापस भी लिया है, क्योंकि कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने इसको लेकर जो है वो कड़ी फटकार जो है वो मनोज तिवारी को लगाई है। हालांकि जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की खबरें जो है वो पार्टी में आ रही हैं उसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने भी जो है वो सफाई दी है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर जो है वो कोई लड़ाई नहीं है कि कौन पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री पद का। मुख्यमंत्री सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जाए किरण बेदी के आने से पहले दिल्ली में बीजेपी मजबूत इतनी नजर नहीं आ रही थी जितनी की अब आ रही है, तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता, भले ही नाराजगी चल रही हो अपनी जगह पर। जी बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। यह तथ्य कि किरण बेदी एक उनका एक अपना व्यक्तित्व है, किरण बेदी की अपनी पहचान है और किरण बेदी का अपना एक प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी उस प्रभाव को पूरी तरह से उनकी छवि को बनाना चाहती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किरण बेदी के भारतीय जनता पार्टी का में शामिल होने से फायदा तो मिला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अलग बात है कुछ लोगों में जो है वो नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कहा है कि तमाम नेता जो है वो एकजुट हैं और इसको लेकर जो है किरण बेदी के जो है मंत्री पद के उम्मीदवारी को लेकर जो है वो किसी तरह का विवाद नहीं है। हालांकि यह तय होना बाकी है कि वो मुख्यमंत्री पद। बिल्कुल संदीप, एक बात ये भी है कि पार्टी चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, पार्टी की प्राथमिकता है जीत। और ऐसे में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वो दिन याद आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब भी बीजेपी दो धड़े में बट गई थी। होता है जब भी पार्टी के अंदर कोई बड़ा फैसला लेना होता है, पार्टी का नेतृत्व तो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो पार्टी एक बड़ा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़ा संगठन है। निश्चित रूप से वहां पर कई गुटबाजियां हो सकती हैं, हर एक व्यक्ति के अपने अपने राजनीतिक हित हो सकते हैं और उसको लेकर खींचातान होना जो है स्वाभाविक है। आपने लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा है कि किस तरह से अडवाणी खेमे में और मोदी खेमे के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी बटी हुई दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की उनको कमान देना और उसके बाद जो है मुख्य प्रधानमंत्री पद का जो है उम्मीदवार उनको घोषित कर देना और उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी जो है वो एकजुट होकर लड़ी, तो यहाँ पर भी ये अभी एक फौरी तौर पर ये सब चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व इस समय काफी सशक्त है, काफी मजबूत है और वो तमाम अपने नेताओं को नकेल कसना बहुत अच्छी तरीके से जानता है और है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने अभी उनका बिल्कुल जो जादू बरकरार है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर घोषित कर भी देती हैं तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे जो नेता हो है वो खुलकर जो है वो नरेंद्र कहीं ना कहीं किरण बेदी का जो है विरोध कर पाए। हम ये बात भी समझते हैं कि सपने हर किसी के होते हैं, मगर सपना तभी पूरा हो सकता है जब कोई मजबूत स्थिति में दिखाई दे। अब कहीं ना कहीं आलाकमान को लग रहा होगा कि अब कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि पार्टी को उससे फायदा हो और वो जो जिस तरीके के हालात बने हुए उसमें स्ट्रांगनेस में उसको कन्वर्ट कर सके, तो कहीं ना कहीं किरण बेदी एक ऑप्शन के तौर पर नजर आई और कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से शामिल किया गया। संदीप आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अब हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए किरण बेदी आई, बीजेपी में स्वागत हुआ और हर किसी के चेहरे पर चमक दिखाई दी, खासकर अरुण जेटली और अमित शाह के चेहरे पर, मगर अब यहाँ पर सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, कुछ सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनके किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे जब कोई नेता या कोई व्यक्ति बाहर से आता है और तब आता है जब चुनाव होने वाले हों और ये पता हो कि दिल्ली में पार्टी की स्थिति बेहतर है और सरकार बन सकती है, तो जो पुराने नेता होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत ये अटपटा लगता है कि बाहर से कोई नेता लाके थोप दिया जाए उन पे। तो कुछ कुछ प्रदेश बीजेपी में जो नेता हैं उनको ऐसा लग रहा है कि किरण बेदी के आने से कहीं ना कहीं उनके जो मुख्यमंत्री पद की जो राह थी वो मुश्किल हो रही है और हो सकता है किरण बेदी को पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दे। जी मनोज जी, मगर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पार्टी के लिए क्या जरूरी है नेताओं की नाराजगी, क्योंकि वो नेता भी सीनियर नेता हैं और काफी सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ईमानदारी से, और दूसरी तरफ हैं
किरण बेदी जिनमें जीत नजर आ रही है, तो अब यहाँ पर कैसे बैलेंस करेगी बीजेपी? देखिए, पिछले लंबे अरसे से दिल्ली प्रदेश बीजेपी की एक बड़ी समस्या ये बन गई थी कि जो दिल्ली के नेता हैं उनमें किसी एक नाम पर आम राय नहीं बन पा रही थी, और दिल्ली के प्रदेश बीजेपी के जो नेता हैं उनके बीच में जो खींचतान मची हुई थी, कहीं ना कहीं उसके चलते ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लगभग ये मन बना लिया कि किरण बेदी को एक अहम चेहरे के रूप में दिल्ली में आगे किया जाए। दूसरा एक मुख्य कारण ये था कि जो पार्टी ने अंदरूनी सर्वे कराया उसमें भी किरण बेदी को बीजेपी के जो दूसरे नेता दिल्ली में हैं उनके मुकाबले अधिक लोकप्रियता हासिल हुई। इन्हीं सब कारणों के चलते भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रमुखता के साथ किरण बेदी को इस चुनाव में आगे रखने का फैसला कर लिया। मनोज जी, लेकिन शिकायत क्या है नेताओं की? शिकायत यह है कि अभी तक किरण बेदी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सीएम पद के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया गया है, बावजूद इसके वो उस एक्शन में नजर आ रही है और सीएम पद के तौर पर जैसे उनको नॉमिनेट कर दिया गया है इस तरीके से वो काम कर रही है, उसी एक्शन में नजर आ रही है सीएम के रूप में, और ये नागवार गुजर रहा है नेताओं को। देखिए, सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है, उस बैठक में ही तय होगा कि किरण बेदी मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली में बीजेपी का नेतृत्व करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन जिस तरह से उनका प्रोजेक्शन दिल्ली में बीजेपी ने किया है उससे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि दिल्ली में बीजेपी किरण बेदी के नाम और चेहरे के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है। हालांकि किरण बेदी ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी ही भाजपा का चेहरा होंगे। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी में अब जो खींचतान है वो लंबी होती जा रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग और रोमांचक होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी में विपक्ष के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी कड़ी में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी कांग्रेस की नेता कृष्णा तीरथ भी सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जोर शोर से जुटी कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। कांग्रेस के अजय माकन जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे, तो वही कृष्णा तीरथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बीजेपी में शामिल होने के लिए मीटिंग कर रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि तीरथ को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था, और इसलिए पार्टी से नाराज तीरथ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी का दामन थामने के बाद तीरथ ने कहा है कि जनता की सेवा के लिए वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। और लाइव हमारे साथ जुड़े हुए लगातार हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा। मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, नेता वहां से अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और हालिया एक नया नाम कृष्णा तीरथ का। देखिए, पिछले दो दिन में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किरण बेदी हो, चाहे शाजिया इल्मी हो या विनोद कुमार बिन्नी हो, उनको पार्टी में शामिल कराकर जहां आम आदमी पार्टी को झटका दिया, वहीं सोमवार को कृष्णा तीरथ जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख दलित नेता मानी जाती थी उन्हें शामिल करवा के कांग्रेस पार्टी को भी दिल्ली में एक तगड़ा झटका देने का काम कर दिया। दरअसल दिल्ली में दलित वोट बैंक राजनीतिक उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो दिल्ली की जो 12 शेड्यूल्ड सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, उनमें से करीब 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। परंपरागत रूप से दिल्ली के जो दलित वोट बैंक है, जो दलित सीटें हैं, जो ऐसी सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उन पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है जो 12 आरक्षित सीटें हैं उनमें से वो अधिक से अधिक सीटें जीत सके। लिहाजा कृष्णा तीरथ को पार्टी ने आज बीजेपी में शामिल करवाकर एक तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर दिया है। और मनोज जी, अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, मगर एक बात देखने वाली बनती है कि जब से किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई हैं और उसके बाद कतार लंबी होती जा रही है, अभी किरण बेदी के बाद शाजिया इल्मी आ गए, विनोद कुमार बिन्नी आ गए, अब यहाँ पर कृष्णा तीरथ आ गई, तो एक तरीके से लाइन जो है लंबी होती जा रही है, कतार लंबी होती जा रही है। क्या जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनको एहसास हो चुका है कि किरण बेदी के आने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुकी है दिल्ली में? देखिए, बात केवल किरण बेदी की नहीं है। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव से देखें, जिस प्रकार से पूरे देश में और खास दिल्ली भी उस पर शामिल है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले केंद्रीय सरकार बनाई, दिल्ली में 7 सीटें जीती, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विरोधियों को भी इस बात का एहसास हो चला है कि फिलहाल जो राजनीतिक समय है वो नरेंद्र मोदी के नाम का है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, और वो
ऐसे नेता अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देख रहे हैं, लिहाजा भाजपा का आकर्षण विरोधी नेताओं में बढ़ा है। और मनोज जी, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जाए कि दिल्ली बीजेपी में अब जो हलचल है और एक बेचैनी जो है नेताओं में वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो अब तक नहीं मिल पाया वो हमें मिल जाए। खासकर जगदीश मुखी ने ये बात कही है कि कोई जो सलाह मशवरा है वो नहीं किया जा रहा है, अब मात्र जो बीजेपी का एक मकसद है वो ये है कि सदस्यता अभियान बीजेपी चला रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और बड़ी पार्टी बनकर उभर सके, ये मकसद मात्र रह गया है, ऐसा कहना है इनके जो सीनियर नेता है, खासकर जगदीश मुखी का ये बयान आया है। देखिए, जब दूसरे दलों से नेता पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो पुराने नेता होते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद उनका हक ना मारा जाए। बीजेपी में बहुत से नेता हैं जो ये महसूस करते हैं कि इस बार शायद वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन लगता ये है कि जिस तरह से किरण बेदी आई हैं और एक के बाद एक नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पुराने नेता हैं उनको अपना भविष्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरे में दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है शायद उनकी उनका जो हक है वो कहीं ना मारा जाए, लिहाजा पार्टी के भीतर से जो थोड़ी सी चर्चाएं उठ रही हैं उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये है। चाहे कृष्णा धीरथ हो, शाजिया एल्मी हो, विनोद कुमार बिन्नी हो, किरण बेदी हो, तो मनोज जी क्या इसे विपक्षी पार्टियों के लिए झटके के तौर पर देखा जाए? नहीं, निश्चित तौर पे जब पार्टी देखिए बड़ी होती है तो ऐसे नेताओं को भी शामिल करती है जिनका सामाजिक स्तर पे अपना आधार होता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में और देश में जो दलित वर्ग है उसमें अपना आधार बढ़ाना चाहती है और पार्टी को ऐसे दलित नेताओं की जरूरत है जो उसका आधार दलित समाज में बढ़ा सकें। पहले उदित राज को पार्टी में शामिल किया गया, अब दिल्ली में कृष्णा तीरथ आई है, रामविलास पासवान से पार्टी का पहले से गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत दिल्ली सहित पूरे देश पे दलित राजनीति पे अपना फोकस कर रही है। मगर ये भी तो ठीक नहीं है, कृष्णा तीरथ के बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो गई। क्या इस बात की गारंटी है कि बीजेपी कृष्णा तीरथ को टिकट दे देगी और जो उनकी मंशा है वो पूरी हो जाएगी? यानी कि आज उन्होंने कांग्रेस के साथ ये किया है, कल बीजेपी के साथ भी कर सकती हैं, ऐसे नेताओं का क्या भरोसा? देखिए, राजनीति में आना जाना कोई अब नई बात नहीं है, नेता अपने राजनीतिक भविष्य को देख के ही फैसला लेते हैं। बीजेपी के भी कई नेता छोड़ के दूसरे दलों में गए हैं और दूसरे दलों के नेता भी बीजेपी में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस नेता को जहां अपना राजनीतिक फायदा लगता है वो उसे चुनाव करने में, उसे चुनने में देर नहीं लगाता है, कम से कम भारतीय राजनीति का ये कड़वा सच है जी। और मनोज जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से कि अब जबकि 7 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, वोट डाले जाएंगे और बीजेपी में बगावत के जो सुर हैं वो उठने लगे हैं, आपने देखा होगा एक तस्वीर तब ये उभर कर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, तब बीजेपी दो धड़ों में बट गई थी। अब एक तस्वीर वैसी ही यहाँ पर नजर आ रही है किरण बेदी को लेकर, दोनों में कैसे देख रहे हैं दोनों तस्वीरों को आप? नहीं देखिए, मैं नहीं मानता कि दिल्ली बीजेपी में कोई ऐसी स्थिति है कि बगावत जैसी कोई स्थिति है, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं को जो बाहर से नेता आ रहे हैं उनको ऐसा जरूर लगता है कि कहीं उनका हक ना मारा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस बात को समझ रहा है कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी में किसी प्रकार की खींचतान ना हो, और अमित शाह ने जो रविवार को बैठक ली थी या उससे पहले जो बैठकें ली हैं दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की, उसमें उन्होंने साफ बात इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए अहम है और बीजेपी तभी चुनाव जीतेगी जब पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सवाल ये है कि 7 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और ऐसे में बीजेपी में अब जो है नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी बहुत जल्द इसको सही कर लेगी या फिर जिस तरीके से खींचतान चल रही है इसका खामियाजा कुछ हद तक बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।
बीजेपी 7 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची आज जारी करेगी। आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज अपने अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित सभी सदस्य मौजूद होंगे। चुनाव की बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन भरने की अंतिम तारीख 22 जनवरी है। पिछले चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने से कुछ पीछे रह गई बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन की टीम के सदस्य रहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने के लिए उसी आंदोलन के हिस्सा रहीं और देश की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को सामने लाने की रणनीति तैयार कर रही है और बेदी गुरुवार को ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बेदी दिल्ली के युवाओं, महिलाओं और मध्य वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने में मददगार होंगी। वैसे बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करके चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया है। पिछले चुनाव में उसने हर्षवर्धन को इस रूप में पेश करके चुनाव लड़ा था। हर्षवर्धन अब केंद्रीय मंत्री हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक बीजेपी ने जारी नहीं की है, लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। काफ़ी देरी से बीजेपी लिस्ट जारी करने जा रही है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तकरीबन जारी कर दी है, वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले बाजी मारते हुए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और अब लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के तौर पर अगर देखा जाए तो किस किस को जगह मिलेगी, किस किस को नहीं मिलेगी, क्योंकि कश्मकश में है बीजेपी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, क्योंकि अक्सर ये पार्टियों के भीतर देखने को मिला है कि टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का जो दौर है वो शुरू हो जाता है और इसका उदाहरण कृष्णा तीरथ बखूबी दिखाई दे रही हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधे जाने की। जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से बढ़ रहा है और इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए एक बुकलेट निकाली है और इस बुकलेट में कांग्रेस ने आपकी 49 दिन की सरकार के काम का जिक्र किया है, जिसमें सरकार ने किन किन वादों से मुंह मोड़ा। खास बात यह है कि इस बुकलेट के कवर पेज पर यू टर्न के तौर पर मफलर को दिखाया गया है और साथ ही किताब का टाइटल 49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल दिया गया है। घटनाएं, हरकतें जो समय समय के ऊपर आम आदमी पार्टी के संस्थापक और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अलग अलग समय के ऊपर बोलते रहे, जब उनको मौका लगा वो उसके ठीक विपरीत कार्य करते हुए नजर आए। हम कंपाइल करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं जिसके अंदर आप सब लोगों ने अलग अलग समय के ऊपर वो सारी बातें सुनी होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज कोई है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें एक साथ जब आप एक बार में देखेंगे तो आप खुद ये पाएंगे कि ये कितने गैर जिम्मेदाराना पार्टी और कितने गैर जिम्मेदार नेता हैं। और एक बार हम आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार पार्टी, ऐसे गैर जिम्मेदार नेता जो केवल बातें कर सकते हैं, जो केवल धरना ही कर सकते हैं, उनके हाथ में शासन की बागडोर देना दिल्ली के लिए कितना खतरे की बात है, दिल्ली के लिए कितना खतरनाक है, हम आप लोगों को और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये कहना चाहते हैं। इसके अंदर 16 पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करे गए हैं और आखिर दो पेजेस में एफिडेविट भी है इसके अंदर प्रिंट किया हुआ और ये एफिडेविट 7 जून 2013 का एफिडेविट है जिसकी चर्चा हम लोगों ने एक दिन पहले आप लोगों के बीच में करी थी। और इस एफिडेविट के जरिए केजरीवाल जी ने लिखित साइन स्वोन नोटरी पब्लिक के द्वारा अटेस्टेड एफिडेविट में ये कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। हाँ, ये बात सही है, उन्होंने खुद लाल बत्ती की गाड़ी नहीं ली,
लेकिन उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं लाल बत्ती चलती थी। दिल्ली पुलिस के आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर से उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत के मामले में एक दो दिन में पूछताछ की जा सकती है। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि इस मामले में जो लोग भी संबंधित हैं उनसे विशेष जांच दल पूछताछ कर रही है ताकि इस हाई प्रोफाइल मामले में एक तर्कसंगत बात सामने आए। और इस मामले में थरूर से पूछताछ किए जाने के बारे में एक सवाल के जवाब में बस्सी ने संवाददाताओं से कहा, नहीं अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही ऐसा करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या थरूर से खबरों में आई उस घटना के बारे में भी पूछा गया जिसमें पिछले 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली की उड़ान में थरूर एवं सुनंदा के बीच झगड़ा हुआ था और इस विमान में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी सवार थे, बस्सी ने इसकी संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में जिस व्यक्ति के पास भी सूचना है हम उससे बात करेंगे और उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जिससे इस मामले पर रोशनी पड़ सके। गौरतलब है कि 51 वर्षीय सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दक्षिण दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मृत पाई गई थी। बड़ी खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।